हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड फन लाइफ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हीट ग्रास के बारे में, क्या क्या फ़ायदे हैं व्हीट ग्रास के, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किसे कंज्यूम करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हम इसे ले सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इसका फ़ायदा होता है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, व्हीट ग्रास को कंज्यूम करने के लिए एक तो आप उसे जूस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर फ्रेश जूस मिलता है व्हीट ग्रास का तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, नहीं तो बॉटल जूस भी अवेलेबल होता है। जिनको जूस नहीं मिलता है वो पाउडर फॉर्म में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसे मैन्युफैक्चर करती हैं, तो आपको सबसे अच्छी कंपनी जो ऑर्गेनिक और नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनसे आपको ये खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, ये व्हीट ग्रास पाउडर है, 300 ग्राम का ये जार आता है, बॉटल आती है, जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जानते हैं पहले इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस लिए मैंने मंगाया और मैं कब लेता हूं इसे। दोस्तों, व्हीट ग्रास में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 17 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें और विटामिन से ये भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। दोस्तों, इसमें मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होता है व्हीट ग्रास में वो है क्लोरोफिल, जिसका मानव शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और एंजाइम्स भी होते हैं। सबसे मेन काम व्हीट ग्रास का ये है कि व्हीट ग्रास हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे निकालने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ जो क्लोरोफिल है वो डिटॉक्स करता है पूरी तरह से हमारे बॉडी को, जिसकी वजह से लीवर फंक्शन हमारे इम्प्रूव होता है। अगर लीवर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हीट ग्रास का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। और जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकाली जाती हैं तो हमारी बॉडी फिर रेजुनेवेट होती है, रिन्यूड होती है, रिफ्रेश्ड होती है और हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। व्हीट ग्रास हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इसका मेन फायदा ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए व्हीट ग्रास हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या अगर रहती है तो व्हीट ग्रास आपको सेवन करना चाहिए। अगर आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का समस्या है, यानी कि आपको पूरी तरह से एक बार में पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये फायदा है। यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए व्हीट ग्रास बहुत ज़्यादा उपयोगी है। व्हीट ग्रास हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही रहेगा तो आपका फैट पिघलने लगता है, यानी कि आपका वेट लॉस होने लगता है। जो भी एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो घटने लगती है, तो वेट लॉस करने में भी व्हीट ग्रास का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। व्हीट ग्रास हमारे ह्यूमन सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, जिसके वजह से हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। व्हीट ग्रास हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ये ब्लड प्यूरीफाई करता है। व्हीट ग्रास की वजह से हमारे ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर भी हमारा नॉर्मल रहता है। इसमें मौजूद कंपाउंड क्लोरोफिल हेमोग्लोबिन जैसा ही फंक्शन करता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड सेल काउंट घटता नहीं है, नॉर्मल रहता है। दोस्तों, व्हीट ग्रास हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। जिनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है या जल्दी से कोई भी चीज़ें भूल जाते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। व्हीट ग्रास डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है। साथ ही साथ व्हीट ग्रास में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका इफेक्ट सिमिलर टू इंसुलिन होता है, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी इसे कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। व्हीट ग्रास में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको भी जॉइंट पेन होता है या फिर जॉइंट में स्वेलिंग रहती है तो उनको व्हीट ग्रास सेवन करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि व्हीट ग्रास में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं अगर बॉडी में है तो, और कैंसर
होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, तो इसे ज़रूर आप अपने डाइट में शामिल कीजिए और इसका सेवन करना शुरू कीजिए। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे आपको कंज्यूम करना है। तो ये जार मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, इसे मैंने अभी तक ऐसे अभी मंगवाया था मैंने, तो इसे ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसका ढक्कन खोल के इसे खोल के देख लेते हैं। तो इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन पैकेजिंग इसका किया हुआ है। ये पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक है, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। बहुत सी कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन आप कौन सा अच्छा है, कौन सा ऑर्गेनिक वाला है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्हीट ग्रास पाउडर का कलर बहुत ही नेचुरल लग रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाला हुआ है और इस पर लिखा हुआ भी है कि 100% नेचुरल है और फ्रेश मीट ग्रास से ये पाउडर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी यानी कि वार्म वाटर लिया हुआ है एक ग्लास, इसमें मैं एक टीस्पून अभी पाउडर मिलाने वाला हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे कंज्यूम करना है। और साथ ही साथ इसमें फिर पानी डाल के वही ग्लास में एक ग्लास और आप गुनगुना पानी उसके ऊपर पी सकते हैं। और ये ग्लास आप पीने के बाद यानी कि वीट ग्रास जूस जो आप पीते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट और इसके बीच में एक घंटे का गैप होना चाहिए, एक घंटे के बाद ही आपको खाना या नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब तभी होगा जब इसको खाना और ये इसके बीच एक घंटे का गैप होगा। दोस्तों इसे आप रेगुलरली ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ ही होना चाहिए या ब्लड प्रेशर का ही प्रॉब्लम होना चाहिए तभी आपको लेना है। ओवरऑल फिटनेस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए अंदर से आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं, इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जब आप व्हीट ग्रास का सेवन करना शुरू करते हैं तो एक टीस्पून से ही शुरुआत कीजिए और ये एम्प्टी स्टमक ही आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ। एक टीस्पून की मात्रा से आप शुरू कर सकते हैं, हालांकि दो बार भी इसे लिया जा सकता है, लेकिन जो एम्प्टी स्टमक पे जो काम करता है व्हीट ग्रास वो सबसे बेहतर होता है। दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 2020 है, लेटेस्ट है ये, और इसकी प्राइस MRP आप देखें तो 500 है, लेकिन Amazon पे डिस्काउंट करके ये 399 में मिलता है। दोस्तों अभी तक हमने व्हीट ग्रास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देख लिए हैं, साथ ही साथ ये किडनी स्टोन होने से प्रिवेंट करता है हमें, हमारी स्किन अच्छी रहती है इसे अगर हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो, अगर आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो उसका भी लेवल ये घटाता है। तो दोस्तों व्हीट ग्रास चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या जूस फॉर्म में हो, ये बहुत ही फायदे वाली चीज़ है, इसे ज़रूर आप अपने लाइफ में शामिल कीजिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को हेल्थ एंड फन लाइफ को बिल्कुल मत भूलें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और ये बिल्कुल फ्री है।